जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का टॉपिक है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स पढ़े थे, आज डिटेल में उसको पढ़ना है कि कितने टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हो सकते हैं जिनको हमने माइल्ड मॉडरेट और जो है आपका नाम क्या सफान, अच्छा आपकी शक्कर बिल्कुल, आपकी एक सीनियर है उनैजा, बिल्कुल उस जैसी लग रही। मैंने कहा शायद उनैजा आ गई है, वो पास आउट हो गई है। अच्छा उसके बाद अच्छा मैं बता रही थी एडवर्स रिएक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं, उनके डिफरेंट हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ था, मॉडरेट, माइल्ड और सुवेयर। ठीक है, फिर हम लोगों ने उनकी डिफरेंट टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी थी। कुछ हमारे जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स थे वो हम लोग इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर रहे थे, कुछ हमारे थे वो ऑरली हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। ठीक है, कुछ जो थे वो ट्रांसरेक्टली हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास उसी तरह के उनके एडवर्स रिएक्शंस भी हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो जो मैंने बताया था कि अर्ली इफेक्ट्स आते हैं उसी वक्त हम लोग का रिएक्शन आ जाता है कॉन्ट्रास्ट इधर लगाए, और वो कौन कौन से हैं और वो कौन से हमारे पास इफेक्ट्स हैं जो लेट इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें आज अगर कोई प्रोसीजर हुआ है उसको कॉन्ट्रास्ट लगा है किसी प्रोसीजर में और उसका जो रिएक्शन है वो कुछ अरसे के बाद वो शो हुआ है। ठीक है, कुछ अरसे मतलब कि आज अगर रिएक्शन हुआ तो 2 दिन बाद वो आता है कंप्लेन के साथ कि मुझे तो ये मसला हो गया, मुझे तो ये मसला हो गया। ठीक है, या 1 हफ्ते के बाद जो है उसको रैश स्टार्ट हो गया, तो वो एक लेट इफेक्ट्स हैं। ठीक है, और जो अर्ली इफेक्ट्स होते हैं वो तो ऑन द स्पॉट या विद इन 1 आवर के अंदर जो है वो हम लोग को उसके इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हाई ये थोड़ा सा हम लोग को रिपीट किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के बारे में कि व्हाई डू वी यूज कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वी ऑल नो कि हम लोगों के एक्सरे प्रोसीजर्स हैं सारे टू हाईलाइट द सॉफ्ट टिश्यूज, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट विजुलाइज ऑन एक्सरेज, फॉर दैट वी यूज कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, और उसकी जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया नेम से ही है, कॉन्ट्रास्ट हम लोगों को बताता है। That means we can differentiate different structures that are that we can not see on X-rays. ठीक है, तो उनको differentiate करना कि which structure is present at that area, और उसके लिए फिर हम लोग उसकी lining को outline करते हैं by administering the contrast media. फिर हमने पढ़ा था what are the positive and negative contrast. Positive contrast are those contrasts which appears white on X-rays. ठीक है, एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट अपीयर्स ब्लैक। ठीक है, तो व्हाइट हमारे पास जितने हैं वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स जो कि हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट वो हैं जो एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इसकी लाइनिंग या म्यूक्रोजल लाइनिंग को हाईलाइट करने के लिए अलॉन्ग विद द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर करते हैं। नॉट जस्ट वी कैन नॉट एडमिनिस्टर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट अलोन। ठीक है, वो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट के साथ ही मिक्स करके दिया जाता है ताकि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों स्ट्रक्चर हमें हाईलाइट हो सके। ठीक है, फिर हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स हम लोगों ने पढ़े थे, एक है इंट्रावीनस, एक है ओरल और एक है ट्रांसरेक्टल। ठीक है, देन वी स्टडीड आयोडिनेटेड एंड नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट। नेम से ही बता रहे हैं, आयोडिनेटेड को वो कॉन्ट्रास्ट होते हैं जो कि इंजेक्ट होते साथ ही आइन्स में डिसिपेट हो जाएंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन्स बना देंगे। ठीक, और नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट वो होते हैं जो कि जो है आयनाइज नहीं होते हमारी बॉडी में।
फिर हमने लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम और हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम पढ़े थे कि कितना उनके अंदर ऑस्मोलैरिटी है, कितना सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के अंदर डिजोल्व हो सकता है. डैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर हाई ऑस्मोलर जो होंगे वो कितनी उनकी ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, ब्लड से. और ये हमने पढ़ा था लो ऑस्मोलर ब्लड के साथ उसकी ऑस्मोलैरिटी को हमने रिलेट किया था. ठीक है, ये थोड़ी सी समरी थी. फिर हमने पढ़े थे कुछ कहते हैं मेजर मेजर से एडवर्स रिएक्शंस. आज हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स ड्यू टू इंजेक्टेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज. अब इंजेक्टेबल हैं ये, ठीक है. एक हो गया इडियोपैथिक. क्या होता है इडियोपैथिक का वर्ड सुना है ना आपने? विदाउट कॉज. विदाउट कॉज, ठीक है, आपको उसकी कॉज नहीं पता. सेम लाइक यहाँ पे भी रिएक्शंस दो टाइप के हैं, एक है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस और एक है कीमोटॉक्सिक रिएक्शंस. अब ये नेम से ही आपको डेफिनेशन का पता हो जाना चाहिए कि रिएक्शंस हैं कॉन्ट्रास्ट के, वो भी जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रास्ट हैं, जो इंजेक्शन लगाया है आपने और ऐसा रिएक्शन पेशेंट ने शो किया है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है. और हम लोग नहीं ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इसको इस तरह एकदम से ये प्रॉब्लम आ जाएगी इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से, ठीक है, उसकी कॉज नहीं पता हमें, ठीक है, तो उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. और दूसरे कौन से हैं, नेम से बता रही हैं, कीमोटॉक्सिक, दैट मींस कि वो कोई केमिकल या फिर प्रॉपर्टी की वजह से उसके जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसने एडवर्स रिएक्शन शो किए हैं, जैसे ही वो बॉडी में गया बॉडी के अंदर डिफरेंट उसके रिएक्शन हमें आना स्टार्ट हो गए, ठीक है. अब इनको हम वन बाय वन दोनों को पढ़ते हैं. और नंबर वन वाज द इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. ये कौन से रिएक्शंस है जिसके हमें कॉज नहीं पता, जो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है. तो मोस्ट ऑफन अकर्स विद इन वन आवर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडियम एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट डोज रिलेटेड, ठीक है. अब जो है दूसरे जो है वो डोज रिलेटेड भी है कि हमने कितनी एक क्वांटिटी के डोज क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसकी क्वालिटी के ऊपर भी, कौन सा डोज जो है हमने किस तरह का उसको एडमिनिस्टर्ड किया है. बट दैट इज नॉट डोज रिलेटेड, ठीक है. ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये अगर थोड़ी डोज दोगे तब भी उसमें रिएक्शन एकदम से आ गया और नहीं दोगे, मतलब ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. सिम्टम्स ऑफ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन रिजेंबल एलर्जी और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, देयरफॉर ऑफन कॉल्ड एलर्जिक लाइक या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन अननोन मैकेनिज्म्स, ठीक है. अब इसके अंदर मोस्ट ऑफनली क्या पेशेंट रिएक्शन के साथ फौरन से उसको रैश या एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब वो एलर्जी किस टाइप की है, एलर्जी वो कोई भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका जो हमें नहीं पता कॉज वाकई इसको डोज से हुई है या क्या, मतलब है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन दैट अपीयर्स विद इन वन आवर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडियम एडमिनिस्ट्रेशन. By definition, इसको क्या कहेंगे, that is unpredictable reaction which occur within one hour of the contrast medium administration and which are unrelated to the dose of contrast medium above a certain level. हमने तीनों points पढ़ लिए अभी पीछे. Number one, कौन से होते हैं, unpredictable. Number two, हमारे पास within one hour वो जो है वो उसका result एकदम से वो reaction होगा. And number three, ही unrelated to the dose, ठीक है, वो dose dependent नहीं है. Acute idiosyncratic reactions are usually categorized as mild, moderate and severe. अब कोई भी रिएक्शन है उसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हर रिएक्शन को, इडियो भी, कीमो भी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अर्ली इफेक्ट्स हैं, लेट इफेक्ट्स हैं, तो वो हर हमारे पास रिएक्शन या हर हमारे पास पेन जो है मेडिकल के अंदर, हम लोगों ने उसको तीन कैटेगरी में हमेशा कैटेगराइज किया होता है, फ्रॉम माइल्ड टू सुवेयर. तो माइल्ड रिएक्शन अगर आ रहा है उस पेशेंट को, वो भी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, वो कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं. एक तो माइल्ड रिएक्शंस आर यूजुअली ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सेल्फ लिमिटिंग पेशेंट शुड बी केयरफुली मॉनिटर फॉर एटलीस्ट 20 to 30 minutes, ठीक है, वो ठीक होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा, ठीक है. उसके अंदर क्या है एग्जाम्पल्स, माइल्ड रिएक्शन, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट इज टेल मी द सिम्टम्स ऑफ माइल्ड रिएक्शन इडियोसिंक्रियटिक रिएक्शन. इडियोसिंक्रियटिक रिएक्शन के माइल्ड कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं, जो कि पेशेंट और मैं पूछूं माइल्ड होते कौन से हैं, तो यू कैन से इट्स कैन बी ट्रीटेड इन 20 to 30 minutes, पेशेंट स्टेबल हो जाता है, ठीक है, वो जो है ना ये कंप्लेन्स के साथ पेशेंट आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है. नंबर वन, उसको कफ स्टार्ट हो जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, आएगी नहीं आएगी डिपेंड्स, ठीक, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये ड्रग या उससे रिलेटेड नहीं है. इचिंग उसको स्टार्ट हो जाएगी, रैश बन जाएंगे, पेलर,
nasal stiffness, minimal swelling in the eyes and face, and facial rash. These are the mild idiosyncratic reactions. Mild, ठीक है? और mild कौन से within monitor to 20 से 30 minutes के अंदर short duration के होते हैं ये, ठीक है? अब आ जाओ moderate. Moderately adverse reactions are not immediately life threatening, although they may progress to be so. That means वो एकदम से तो life threatening नहीं बन जाएंगे. अगर वो progress करते हैं, that then जो है वो हमारे लिए problem कर सकते हैं कि वो काफी time उसका हो गया और वो complaint के साथ इसी reaction के साथ वो आया. Symptoms usually require treatment include respiratory difficulties, उसको सांस लेने में मसला आना start हो जाएगा. Dyspnea, wheezing, mild laryngeal edema, ये सारे respiratory difficulties हैं. फिर उसके बाद pulse उसकी एकदम से rapidly जो है ना fast हो जाएगी, या फिर उसकी पल्स रेट जो है वो कम हो जाएगा, डिपेंड्स, ठीक. फिर उसके बाद हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट. और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके पास, आपने कफिंग और इचिंग और रैश, तो ये तो नॉर्मल है, माइल्ड है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. पेशेंट एकदम से कंप्लेन कर रहा है मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, ठीक है, इधर आपने उसको कॉन्ट्रास्ट लगाया है, ठीक है, उसने साथ कंप्लेन कर दी मुझे तो कुछ मसला हो रहा है, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, ठीक है, मेरा बीपी लो हो रहा है या मुझसे कुछ हो रहा है बस, ठीक है. लेकिन वो कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है. अगर वो प्रोग्रेस करता है दैट मीन्स कि वो काफी टाइम तक, वरना ये भी स्टेबल हो जाता है थोड़े टाइम तक, ठीक है. इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में इंक्लूड हमारे पास एंटी, आ जाओ, तुम लोगों को टाइम का नहीं पता होता इतना लेट आते हो. एंटीहिस्टामिन्स हमारे पास जितने हैं जिनको हम लोग इसलिए ट्रीट करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, वो हम पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं. फिर लेग एलिवेशन, अगर हाइपोटेंशन का पेशेंट है, ये तो बाजारों में काफी लड़कियां जो है ना गर्मियों में गिरी पड़ी होती हैं, या जहां पे लगो गिर, फौरन से उसकी लेग रेस कर दो, हाइपोटेंशन बीपी लो हुआ, लेग रेस कर दो, ठीक है. दैट मीन्स कि उसका जो ब्लड है जो पेरिफ्री में जा रहा है वो कम हुआ, जिसकी वजह से जो है वो उसको ये हाइपोटेंशन हुआ है. तो जब हम लोग उसका पेरिफ्री से उसका ब्लड रेस करेंगे हार्ट की तरफ को, तो वो स्टेबल हो जाए थोड़ा सा. यूज अ बीटा एगोनिस्ट इनहेलर फॉर द ब्रोंकोस्पैज्म. एगोनिस्ट वो होते हैं जो कि हमारे मसल रिलैक्सेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है. फिर हमारे पास एपिफ्रेन जो है लेरेंजियल एडिमा, ये सारे एंटीहिस्टामिन्स हमारे पास मेडिसिन है. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वी आर ट्रीटिंग एलर्जी, we are treating hypertension and we are treating जो भी उसको problem hypertension. तो drugs वगैरह तो आपको major तो पता होनी चाहिए कि हम allergic reactions के लिए antihistamine दे रहे हैं, ठीक है. ये सारी drugs आपकी वहाँ पे procedure room के अंदर available होती हैं. जब आप design करते हैं ना, एक तो room है और procedure से पहले ये सारी चीजें हमने वहाँ पे रखनी होती है, क्योंकि we can say कि वहाँ पे हमें कोई adverse reaction आ सकता है patient को. जिस तरह angiography के लिए even DFI भी बड़ा होता है वहाँ पे. डीफिब का पता है आप लोगों को, डिफिब्रिलेटर, वो जो झटके देते हैं पेशेंट को, ठीक है. उसके अंदर वो भी साथ पड़ा होता है कि पेशेंट अगर सुवेयर कंडीशन में चला गया और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा फौरन. मुझे याद है हम लोग उधर थे PIC में, एक पेशेंट था वो चला गया, पता नहीं बेहोश हो गया एकदम से, उसका प्रोसीजर हो रहा था एंजियोग्राफी, और वो जो टेबल था, टेबल के ऊपर जो छोटा टेबल होता है ना, वो जो जिसके ऊपर टूल्स रखे होते हैं सारे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जितने, वो टूल ऐसे उसके ना लेग वाली साइड पे था और इस तरह ऊपर, और पेशेंट का ना वो कर रहे हैं. अच्छा, पेशेंट थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ. हम लोग तो खड़े होते, स्टूडेंट थे उस वक्त, हम तो ऑब्जर्व कर रहे होते थे, दरवाजों के पास दूर खड़े होते थे ऐसे करके, ना हमें कोई पास देखने देता था ना कुछ, तो स्टूडेंट्स की तरह हम खड़े हुए बस देख रहे थे हो क्या रहा है. अच्छा, थोड़ी देर में पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा सही, उसको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फॉरन डॉक्टर्स डीफी शोर मचा देते हैं कि फॉरन डीफी को ऑन करो, उसको शॉक देना है. हमने उन्होंने इधर डीफी ऑन किया, पेशेंट बेहोश था, कोई आदमी था 40-50 प्लस की एज का था, ठीक है, लाहौर में ही आपको पता है ना फिर वो माशाल्लाह. अच्छा खैर, उन्होंने क्या किया, एकदम से शोर मच गया पूरे उसमें, डीफी फौरन लेके आया, उसको झटका दिया, पहले एक झटका दिया ठीक नहीं कुछ हुआ, दूसरा दिया, तीसरा झटका दिया, पेशेंट की टांगे यूं ऊपर और उसके वो जो थे ना जो टूल्स पड़े हुए थे अब सारे वो यूं हवा में गए हैं सारे, ठीक है. उसने क्योंकि टांगों वाली साइड पे थे, उसका यूं टांगे उसके ऊपर, उसने सारी छट 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 करके आवाजें आई, उसने उठते साथ ऐसी गाली दी
मतलब वो ऐसा बंदा था ना, मतलब वो बेहोश था, उसने डॉक्टर्स को ऐसी गाली दी ना, हम लोग का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हम डॉक्टर्स ने हमें कहा कि इट्स नॉर्मल, यहाँ पे ऐसा होता रहता है कि ये आप लोग, और वो बेहोश था, ठीक है, उसको होश आई, उसने होश में आते साथ ही डॉक्टर्स को गाली दी। वो टाइम नहीं हमें भूलता कि ऐसा भी होता है कि पेशेंट एकदम से गया और उसको जो है दोबारा से जिंदा करना है, और जिंदा करते साथ ही उसने बोला डॉक्टर को ऐसी की तैसी कि तुम लोग इंसान बनो। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये सारे इमरजेंसी चीजें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं कि हम कुछ भी कह सकते हैं कि पेशेंट किसी भी स्टेज में जा सकते हैं। हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल इंजेक्शन फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ऑरली तो हम नहीं पेशेंट को एकदम से देंगे, उसका इतना फौरन हमने ट्रीट करनी होती है ये चीजें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे है सीवियर रिएक्शन। अब सीवियर रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, सब्सटेंशियल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, जिस तरह ये पेशेंट था रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था हमें लगा गया, ठीक है, फिर एकदम डीफी, मतलब उसको देना पड़ता है डीफी, इज नॉट क्या कहते हैं कोई मामूली चीज नहीं होती है, इतना ज्यादा शॉक मिलता है पेशेंट को, ठीक है, तो समझ लो करंट देना होता है उसको, पूरे को पूरा पेशेंट हिल जाता है। मुझे तो वो नहीं भूलता कि जिस तरह वो हिला था, वो टांगे उसके ऊपर पूरा हवा में जो है, इतना उसको शॉक दिया था, ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, कन्वर्जेंस हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेटेड अरिथमियाज हैं एंड कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, दीज ऑल आर द सीवियर रिएक्शंस। की हमें पता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको शेकिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उसको शिवरिंग होना स्टार्ट हो गई है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, ये सारी चीजें जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, सीवियर जो है ना रिएक्शन है। इधर हमने कॉन्ट्रास्ट लगाया, पेशेंट पता नहीं बेहोशी हो गया है, ठीक है, दीज आर द सीवियर रिएक्शंस, ठीक है, डिफरेंट। अच्छा, ये सीवियर के अंदर जो ट्रीटमेंट है, पीछे माइल्ड के अंदर क्या ट्रीटमेंट थे, और जो क्या कहते हैं मॉडरेट के अंदर क्या ट्रीटमेंट, सिर्फ ट्रीटमेंट आप देख रहे हो साथ में क्या है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स के, वो किन सिम्टम्स के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये ज्यादातर जो है ना सिम्टम्स, अब अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है, पेशेंट को ब्रीदिंग का मसला हो रहा है, ये आपको ये ट्रीटमेंट का पता ना ABCD का, कि वो जो पेशेंट है अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये होता है, ठीक है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है जिसको उसका चेक करते होते हैं, ABCD इसको ट्रीटमेंट को कहते हैं, इसके एयर वे, ए फॉर एयर वे, बी फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, ये कहीं उसके कोई उसमें कोई चीज तो नहीं स्टक हो गई एयरवेज के अंदर, वो उसको देखना होता है। आप सड़क पे भी कभी कभी होश पेशेंट देखो, फौरन से उसका ABCD ट्रीटमेंट करो, ठीक है, फौरन से उसके देखो कहीं कोई, सबसे पहले एयरवेज चेक किए जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रीदिंग उसकी देख रहे हो कहीं सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरह सांस ले रहा है, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन फौरन से, हार्ट रेट की थर्ड वाली उसको चेक करते हैं, डिसेबिलिटी अलर्ट वॉइस रिस्पॉन्स या पेन रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि उसको अगर आप दे रहे हो आवाज दे रहे हो, रिस्पॉन्स दे भी रहा है नहीं दे रहा, ये बिल्कुल ही बेहोश है, ठीक है, फिर उसको एक्सपोजर दो, मतलब कि अगर वो गर्मी है क्या है उसको फौरन से, ये सारी चीजें ABCD ट्रीटमेंट, ये सवेर के अंदर भी हम इसी तरह देते हैं, एयरवेज वगैरह चेक करते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर द इडियोसिंक्रियाटिक रिएक्शंस, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनके अंदर हम लोगों ने उसको देना ही नहीं है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आया, मैंने पहले भी प्रोसीजर ये करवाया, मुझे ना रिएक्शन हो गया था, ठीक है, तो प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन है, अस्थमा का पेशेंट है उसमें भी आप लोगों ने नहीं देना, क्योंकि बेशक जो है वो उस कंप्लेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेगा, उसको कोई रिएक्शन नहीं है, अस्थमा है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है रेस्पिरेटरी की कोई, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देना। देन हमारे पास या फूड या ड्रग एलर्जीज, हमेशा फॉर्म फिल करवाते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, MRI का प्रोसीजर हो गया या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले एक फॉर्म होता है पेशेंट का, उसके अंदर ये सारी चीजें पेशेंट से ली जाती होती हैं, इवन एक्सरेज के कुछ चीजें हमें ये भी पता होनी चाहिए कि पेशेंट में कोई चीज इम्प्लांट तो नहीं हुई है, MRI के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो करते ही नहीं है ना, लेकिन ये कि अगर हम लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हो उस जगह पर कोई इम्प्लांट हुआ हुआ है, एंजियोग्राफी कर रहे थे उसको पेसमेकर इम्प्लांट हुआ हुआ है या कोई और स्टंट उसको जो है पेरिफेरी के अंदर कोई इम्प्लांट हुआ हुआ है, तो ये हमारे पास हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है, तो हमारे पास अगर एक्सरेज पे वो चीज नजर आ रही है तो हमें हैरान नहीं हो जाना, अल्लाह इस पेशेंट में क्या चीज है, तो हमें ये जो है ना उसकी हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी उसी हिस्ट्री फॉर्म के ऊपर जो है वो हम अपना उससे ये भी पूछते हैं कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, अगर उसको किसी ड्रग से एलर्जी, दैट मींस कॉन्ट्रास्ट से भी 100% एलर्जी होगी, ठीक है।
What are the prevention, the possibility of performing the CT examination without the benefit of a contrast agent? हम कोशिश करते हैं कि ऐसे patients के अंदर हम क्या करें, prevent करें और हम लोग उनको contrast ना ही दें, हम CT की तरफ ले जाए patient को, उसका वो वाला exam कर लें, ठीक है? CT हमें इतनी अच्छी imaging देता है, इतनी अच्छी slices में हमें images दिखा सकता है, plus जो है even अब तो software ऐसे हो गए हैं जो कि हमने contrast studies होते हैं, ठीक है? उसमें हमें inject नहीं करना, कोई भी चीज इंजेक्ट किए बगैर, कॉन्ट्रास्ट दिए बगैर हम लोग सॉफ्ट के अंदर ही इमेज जो है वो कॉन्ट्रास्ट वाला बना सकते हैं कि बाकी चीजें सप्रेस कर दी हमने, हमने वेसल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है? ये सारे सॉफ्टवेयर है इमेजेस के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी तरफ ले जाए जिन पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम है। यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव डायग्नोस्टिक मैथड, अल्ट्रासाउंड और MRI दोनों हमारे पास सेफ है बिकॉज इसके अंदर कोई भी हमारे क्या है आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं हो रही है, बोथ आर सेफ and should be considered. Tisra hai, idiopathic and pancreatic reactions are not dose dependent. Theek hai? Reactions have resulted from very small volume of the iodinated contrast media. That means humne jo pehle baat ki hai, these are not dose dependent. Ki zyada dose de se reaction ho gaya hai ya kam dose se reaction hua hai. Theek hai? Result from very small volume. Theek hai? Wo chote se zara se humne inject hi karna start hua hai, usse bhi We cannot predict कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती थी। इधर लगाया सारी कफिंग शुरू कर दी उसने, हालांकि कोई तो जान के भी शुरू हो जाता है, लेकिन अगर उसने की है दैट मीन्स उसको अभी माइल्ड में ले रहे हैं, उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक। उसको फिर उसके बाद कहते हैं मुझे खारिश शुरू हो गई है, इधर लगाना शुरू किया हमने कॉन्ट्रास्ट, उसको इचिंग स्टार्ट हो गई है, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन माइल्ड रिएक्शन। तो इडियोपैथिक है, नोन अननोन कॉज है। फिर उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर लो और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज करें, ठीक है? पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, जो पहले हमारे पास हाई और स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम से उसको रिएक्शन हुआ था, तो हम कोशिश करेंगे इस दफा उसको लो और स्मॉलरिटी कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज करें, ठीक है? अब डिफरेंट मैंने पहले बताया था टाइप्स के हमारे पास कॉन्ट्रास्ट हैं, डिफरेंट कंपनीज के हैं, हमें डिफरेंट नेम्स के पास नेम्स के साथ आएंगे, जब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे उनसे पूछो, लेकिन आपको जो पता हो ना वो लो और स्मॉलर और हाई और स्मॉलर, ठीक है? ये बताना चाहिए, ठीक है? वो डिफरेंट कंपनीज के लोअर स्मॉलर के डिफरेंट नेम्स के साथ आएंगे स्पेसिफिक उस ट्रीटमेंट के, तो डिफरेंट कंपनीज वाले जो हैं वो अपना वहाँ पे देते हैं। तो यू शुड नो के लोअर स्मॉलर का कौन से कॉन्ट्रास्ट हैं, जिनके ऑस्मोलरिटी ब्लड से क्या इसका क्या रिएक्शन है, ठीक है? फिर उसके बाद प्री ट्रीटमेंट हम करते हैं जिनको हमें पता है कि इनको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? कुछ ट्रीटमेंट हम उनको कुछ मेडिसिन ऐसे दे दें पहले से, ठीक है? प्रायर टू डैट एग्जामिनेशन, तो ताकि हम लोग जो उसके रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकें। The goal of pre-medication of high risk patient is to reduce their risk of getting reactions. तो हम पहले उसको दे देते हैं। ये हमारे पास two frequently used pre-medication regimens for the adult patients हैं। ये different हमारे पास corticosteroid और antihistamines हैं कि हम लोगों ने इसको prior to death examination देने होते हैं इतने इतने hours के बाद में, इसे टेबल आप देख लो। अच्छा, दूसरा अब हमारे पास आ गया है chemotoxic, that means उसको drug से reaction हो, ठीक है? Contrast reaction that result from the contrast agent pharmacologically properties are broadly referred to as chemotoxic. All the hemodynamic data related to the blood circulation disturbance and injuries to organs and vessels perfused by contrast media are inhaled in this category. That means के जो है contrast से आपको reaction हो रहा है, तो contrast inject हुआ है blood में, blood जहाँ जहाँ circulate होगा, जिस जिस organ में blood गया उसने उस organ को डैमेज किया, वहां पे उसको रिएक्शन हो गया, लिवर में गया, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी में गया, किडनी में प्रॉब्लम, ठीक है? तो उसके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड के अंदर कॉन्ट्रास्ट है, तो वो कीमोटॉक्सिक है, दैट मींस वो जहां गया उसने उसका रिएक्शन शो कर दिया। अच्छा, फिर हमने एक नेफ्रोपैथी के बारे में, जो जनरली एक टॉपिक लास्ट टाइम एडवर्स रिएक्शंस पढ़े थे ना, उसमें हमने नेफ्रोपैथी भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट आर excreted via kidneys, ठीक है? तो that means वो जो हमारे पास जितने भी contrast medium हैं जो कि kidney के through आ रहे हैं और kidney को reaction हो सकता है, kidney failure हो गया या kidney की कोई भी disease हो गई है, तो that would be considered in contrast induced nephropathy due to contrast, उसके अंदर kidney की problem हो गई, ठीक है? अब क्या है, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट द आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो आयोडिनेटेड है, दैट प्रोड्यूसेस द आयंस व्हेन इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, यूज इन इमेजिंग मोडालिटीज सच एज एंजियोग्राफी एंड सीटी इफेक्ट्स किडनी फंक्शंस। अब अगेन इफ आई आस्क कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडियम है
जो के हमारे जो है क्या कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथिक जो है कॉज करते हैं. वो कौन से हैं? वो आयोडिनेटिक कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है, इसीलिए हम किसी के अंदर, जिसके अंदर आगे मैं बताती हूँ कि जिनमें वैसे ही किडनी प्रॉब्लम है तो हम उसके अंदर आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम नहीं देंगे. हिस्ट्री में फिर वही चीज दोबारा से उसकी की जाती है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं. अच्छा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी जिसको CIN कहते हैं हैज बीन रिपोर्टेड टू बी द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट. ठीक है, थर्ड लीडिंग कॉज है. क्या करवाते हैं? क्रिएटिनिन. वही मैं आगे बता रही हूँ, हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं बिफोर परफॉर्मिंग दिस एग्जामिनेशन. तो पहले तो मैंने आपको इनको बताया, हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें हम लोग पहले पूछते हैं उनसे कि ये चीज़ें, अलॉन्ग विद डैट हिस्ट्री फॉर्म हम लोग उसके कुछ टेस्ट भी करवाते हैं. ठीक है, जिनको हमने कॉन्ट्रास्ट देना है और हम लोग उसका क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं. वो आगे मैं हैं स्लाइड में बताती हूँ कि कितना क्रिएटिनिन लेवल होगा तो हम उसको कॉन्ट्रास्ट दे सकेंगे, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे उसको, किसी और मोडालिटी की तरफ जो है वो करवा देंगे. For a better understanding of CIN, we will review basic renal physiology. ठीक है, particularly those aspects that relate to how kidney process iodinated contrast agent. Define CIN, that is contrast induced nephropathy, including its clinical presentation, incidents and factors that a place patient at elevated risk के ऊपर जो चला गया. Summarize the strategies that can prevent causes of CIN. ठीक है, what is CIN? Contrast induced. अब यही बात जिन्होंने की है कि रीनल फंक्शन टेस्ट हम लोग पहले करवाते हैं. ठीक, जो मैंने बताया रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे उसको LFT होता है ना, इसी तरह हमारे पास RFT है. ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट जो है, ठीक है, वो टेस्ट करवाते हैं हम लोग रीनल फंक्शन. और उस टेस्ट के अंदर हमारे पास हमने क्या देखना होता है, हमने क्रिएटिनिन लेवल देखना होता है पेशेंट का. इफ इट इज इन नॉर्मल रेंज तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट वाली स्टडीज कर सकते हैं. अगर उसका जो है नॉर्मल रेंज से अबव है या कम है या जो है, तो फिर हम कॉन्ट्रास्ट कभी भी नहीं देते. ये हर मोडालिटी के अंदर होता है, जहाँ पे इवन के MRI, CT scan, एनजियोग्राफी, जिसके अंदर भी हमने कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी है, उससे पहले, उस एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है. ठीक है, तो ओवरऑल जो है ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट देखा जाता है, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 120 ml/min जो है वो उसका नॉर्मल अडल्ट के अंदर इतना रेट होता है. और क्रिएटिनिन का क्या है, 0.84 to 1.21. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द क्रिएटिनिन इन द ब्लड. अगर इससे वेरी करता है पेशेंट के अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, जो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है, फिर हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर. और फिर हम लोग अगर वो इस रेंज से डिस्टर्ब है तो फिर हम उसको कॉन्ट्रास्ट स्टडी नहीं करते. व्हाट इज रीनल डिसफंक्शन? रीनल फेलियर या रीनल जो है हमारे पास पेशेंट कंप्लेंट के साथ आया है कि उसने कुछ स्टडी करवाई थी, अब उसको ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, रीनल की कुछ पैथोलॉजी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, उसके टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल आना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स उसको रीनल फेलियर की तरफ हो जाना स्टार्ट हो गया. एंड दैट इज ड्यू टू द डोज दैट वी एडमिनिस्टर्ड, कौन सी कॉन्ट्रास्ट मीडियम. ठीक है, द टर्म रीनल फेलियर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रीनल इनसफिशिएंसी इन विच रीनल फंक्शन इज एबनॉर्मल बट कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग एसेंशियल बॉडीली फंक्शन. बस सिंपल रीनल डिसफंक्शन पे याद रखो कि उसके जो सारे फंक्शन हैं वो एबनॉर्मली जो है वो आना चाहे उसमें स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें एबनॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये चीज है सीरम क्रिएटिनिन विद इन 24 hours ऑफ कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन. Serum level generally peaks to the 4 to 5 days and then begins to return towards the baseline within 7 to 8, 10 days. That means के जिस time पे हमने उसको जो normal के अंदर होता है, normal के अंदर हम लोगों ने उसको contrast दिया है, contrast देने के 7 to 10 days के बाद उसका जो creatinine level है वो normal पे आता है. ठीक है, वो raise हो जाता है जो normal बन. तो इसलिए जब भी कभी रीनल टेस्ट करवाना है उसका भी उसको कहना है कि पहले करवाओ और बाद में नहीं आपने रीनल टेस्ट करवाना. ठीक है, उससे क्या होगा कि उसका क्रिएटिनिन हाई आएगा. ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रोसीजर दैट यू परफॉर्म्ड. ठीक है, तो उसको पहले करवाओ, और अगर करवाने ही है तो उसको कहते हैं कि 15 दिन 10 दिन तक वो स्टेबल हो जाता है, 15 दिन के बाद आपने टेस्ट करवाना है अगर आपको जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट उसकी वजह से जो है वो रेज हो जाता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, एक्यूट राइज इन सीरम क्रिएटिनिन. ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सीरम क्रिएटिनिन पीक्स एट 4 to 5 days एंड रिटर्न टू द बेसलाइन ओवर 7 to 10 के. पिछली वाली बातें इसको देख लो.
अच्छा इसके अंदर हम क्या प्रिवेंशन करेंगे? प्रिवेंशन नंबर वन इज यूज ऑफ फ्लोसमोल. नंबर टू हाइड्रेशन. पेशेंट को कहेंगे पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो. प्रोसीजर हो गया, घर जाओ पानी पीते रहो, पानी पीते रहो. दैट मींस आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो एज सून एज पॉसिबल, आपकी किडनी में से जो है वो कॉन्ट्रास्ट को हम निकाल सके. इसी तरह हम लोग जब भी वो प्रोसीजर्स करते हैं जो हमारे ये जो है न्यूक्लियर मेडिसिन के, उसके अंदर भी, उसके अंदर तो पेशेंट को अलग से रूम में बिठा देते हैं. आपको पता ही है ना इस चीज़ का कि पेशेंट जो है खुद सोर्स बन जाता है रेडिएशन के. जब उसके अंदर इंजेक्ट किया है आपने रेडियो आइसोटोप, तो पेशेंट के अंदर से जो रेडिएशन निकलना शुरू, तो हम लोग उसको कहते हैं वो चलता फिरता बॉम्ब है. तो उस बॉम्ब को ना किसी रूम में बिठाओ, तो वो रूम स्पेशलाइज बनाए जाते हैं, उनकी वॉल्स के अंदर लाइट होती है, आइसोलेटेड रूम्स होते हैं डिफरेंट, वहाँ पे शॉकर खाना वगैरह में आप देखना. तो जब भी उनका प्रोसीजर करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, उसको अलग एक रूम में खाली और कैमरा लगा होता है, वहाँ पे पेशेंट को हम देख रहे होते हैं, पेशेंट वहाँ बैठा हुआ मोबाइल के साथ लगा हुआ कुछ क्या कर, लेकिन अकेला बैठा हुआ टाइम उसने अपना घंटा दो घंटे वहाँ पे निकालने होते हैं. ठीक है, जब तक उसको कहते हैं पानी पियो पानी पियो, उनका वॉशरूम होता है वहीं पे, उनका वॉशरूम है ठीक है जो है वहाँ पे कोई, तो उसको कहते हैं आपने इंजेक्शन लग गया, अभी कॉरिडोर में फिरना नहीं है, जब आपकी बारी आएगी आपको उस रूम से बुला लिया जाएगा, सीधा आप यहाँ पे आके कैमरा के आपकी जो है ना स्कैनिंग की जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर जहां जहां फिरेगा पूरे हॉस्पिटल में वो क्या एक सोर्स बन गया है, बॉम्ब है, रेडिएशन खुद ही एक दूसरे को देता जा रहा है. ठीक है, तो उसको एक रूम में, उसको आइसोलेटेड रूम में बिठा दिया, फिर इवन के स्कैन करने के बाद उसको जो है काफी टाइम तक वहां पे रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर हाफ लाइफ. इसलिए मैं कहती हूँ ना हाफ लाइफ जो है इम्पोर्टेंट है जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनके अंदर. तो हाफ लाइफ हमें पता है कि दो घंटे तक जो है वो हाफ लाइफ उसकी स्टार्ट हो जाएगी, किसी के अंदर छह घंटे लग जाते हैं, तो उसको उतने टाइम के लिए किसी के अंदर. उसके बाद फिर हम कहते होते हैं कि आपने घर जाना है. ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपने जब घर जाना है आपका हाफ लाइफ तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे दो घंटे तो रख सके, बाकी आज आपने पूरा दिन पानी पीना है पानी पीना है. ठीक है, ताकि एज सून एज पॉसिबल आपकी बॉडी से वॉश आउट हो सके आपका कॉन्ट्रास्ट जो भी या रेडियो आइसोटोप्स है, और आपने जो वॉशरूम यूज करना है कोशिश करना है घर के बाकी लोग वो वॉशरूम यूज ना करें. ठीक है, प्लस आपने घर में भी कोशिश करनी है कि आप बच्चों से दूर रहें. ठीक है, आपके पास बच्चे ना आए जब तक आपके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, रेडियो सेंसिटिव होते हैं ना बच्चे. दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनसे दूर रहें, आपको क्या है वो भी रेडिएशन आप दे रहे हैं उनको, दे आर ऑल्सो रेडियो सेंसिटिव. तो आप कोशिश करो घर जाओ पानी पियो ज्यादा से ज्यादा, एक्सक्रीट करो और एक दो दिन तक आप जो है नॉर्मल हो जाओगे इसके लिए. ठीक हो गया. अच्छा बाकी क्या हाइड्रेशन हो गई. पेशेंट एट रिस्क ऑफ सीआईएन शुड रिसीव आईवी फ्लूइड बिफोर एंड आफ्टर द इमेजिंग प्रोसीजर. वॉल्यूम ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मटीरियल के डिपेंड, ये प्रिवेंशन है कि कितनी हम लोगों को वॉल्यूम उसके अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट पॉसिबल शुड बी यूज फॉर ईच प्रोसीजर. इतना ज्यादा मत दो. इसी तरह जिस तरह हम रेडिएशन को अलारा फॉलो करते हैं ना, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, सेम लाइक दिस हम लोग एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल जो है वो उसको कॉन्ट्रास्ट की डोज देंगे, जितना से हमें इमेज जो है वो अच्छा सा नजर आ सकता है. 48 आवर गैप बिटवीन द प्रोसीजर्स. अच्छा वो पेशेंट अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म जिनको ऑलरेडी था. ठीक है, अब क्या होता है इन पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आयोडिनेटेड. आयोडिनेटेड बहुत थोड़ा सा वो होता है, आपको बताया ना मैंने इंट्रोड्यूस करता है ना, तो आपकी एक तो सी आई एन दैट इज कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी कॉज कर सकता है. दूसरा ये कि आपका अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म है ठीक है पहले से, तो उसके अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन इंटेंसिफाई थायराइड टॉक्सिकोसिस एंड इन रेयर केसेस इट कैन प्रेसिपिटेट अ थायराइड स्टॉर्म व्हिच इज सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि वो आयोडिनेटेड है. आयोडीन आपको पता है ना कि ये जो हमारा थायराइड है इसका फंक्शन क्या होता है. आयोडीन जो है हमारी उसके आयोडीन से क्या इसका रिलेशन है. ऑनलाइन कोई क्या ताल्लुक है थायराइड का आयोडीन से, आयोडीन मिला नमक थायराइड में हम आयोडीन कंट्रास्ट एजेंट यूज करते हैं क्योंकि थायराइड मतलब इसके लिए स्पेसिफिक है कंट्रास्ट एजेंट. ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास इसलिए हम अवॉइड करते हैं आयोडिनेटेड कंट्रास्ट मीडिया. ठीक हो गया, तो जिसके अंदर हमें पता है कि पेशेंट को पहले हाइपरथायरॉयडिज्म है. ठीक है, आयोडिनेटेड कंट्रास्ट ऊपर से उसको दे रहे हैं, पेशेंट जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि थायराइड स्टोन एक कंडीशन है उसमें चला जाता है एंड दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग. आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मटीरियल कैन इंटरफेयर विद द रिजल्ट ऑफ रेडियो आइसोटोप थायराइड अपटेक जो कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन का एक स्कैन है थायराइड का, उसके अंदर जो रेडियो आइसोटोप आयोडिनेटेड उसको जब इंजेक्ट करते हैं दैट विल इंटरफेयर विद द
thyroid isotope. Okay. Therefore, city studies that use iodinated contrast medium should not be scheduled sooner than 2 weeks before a nuclear medicine thyroid study. ठीक है, अब क्या है, थायराइड स्टडी भी करवा दी, उसके बाद हम उसको सीटी करवा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, ठीक है, और उसके अंदर उसको कॉन्ट्रास्ट भी दे रहे हैं, वो भी आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, तो अवॉइड करते हैं कि वो जब तक उसकी बॉडी से वॉश आउट ना हो जाए हम लोग ना करें. डिलेड रिएक्शन कौन से हैं? कुछ अर्ली रिएक्शन होते हैं, कुछ डिलेड. डिलेड मीन्स एक तो हमने अर्ली पढ़ी है ना, तो फॉरन से उसको ये प्रॉब्लम आ गई, उसको हमने कैटेगराइज कर लिया माइल्ड मॉडरेट सीवियर के अंदर. माइल्ड के अंदर उसको कफ स्टार्ट हो गई है, रैश स्टार्ट हो गई है, इचिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है. मॉडरेट के अंदर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, पल्स रेट कम हो गया उसका, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, हाइपोटेंशन हो गई है, ये थोड़ा टाइम तक ठीक हो जाएगा पेशेंट, स्टेबल हो जाएगा. और सिवियर कौन से रिएक्शन थे, जो कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, और जो है वो हमारे पास ज्यादा अरिथमिया का पेशेंट हो गया या कुछ भी, हमारे ये जो सिवियर कंडीशन है वो हमारे पास, लेकिन उसी टाइम पे अर्ली इफेक्ट्स नहीं. फॉरन कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट दे दिया, प्रोसीजर हो गया, और उसके एक घंटे या एक वीक के बाद जो है उसका रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया, वो हमारे पास डिलेड रिएक्शन होते हैं. उसमें कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? स्किन रिएक्शन अपीयर टू अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ट्रू लेट रिएक्शन. टाइप ऑफ लेट स्किन रिएक्शन इंक्लूड रैश, एंजियोडीमा या अटिकेरिया. इसके अंदर पेशेंट जो है उस वक्त आपको रैश नहीं फील करेगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद आएगा, मेरी तो बॉडी पूरी इस तरह रेड हो चुकी हुई है, उसके ऊपर छोटे छोटे से वो बम्स टाइप स्वेलिंग हो चुकी हुई है, रेड बम्स बन गए हुए हैं, ठीक है, इस तरह का रैश हो जो पस वाली होती है ना, उस तरह की स्टार्ट हो गई है. तो दैट इज द डिलेड रिएक्शंस ऑफ द स्किन, ठीक है. फिर हमारे पास ये जो मम्स है, मम्स का आपको पता ना, ये जो इसको कनपेड है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग, ये स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट की सैलरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, ये भी एक डिलेड रिएक्शन है. अगर कॉन्ट्रास्ट अगर इंजेक्ट किया और पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटीरियल, डिलेड रिएक्शन, ठीक है, मम्स हो गए. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, दीज कैन अकर आइदर आफ्टर आइदर लो ऑस्मोलर या हाई ऑस्मोलर. ये दोनों पेशेंट जो है ना, जो जिनको हमने कोशिश की है कि जिसके अंदर पहले रिएक्शन हाई ऑस्मोलर का आया था, उसको लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट, लेकिन फिर भी पेशेंट डिलेड के साथ आपके साथ रिएक्शन इन रिएक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. मे बी मोर फ्रीक्वेंट इन पेशेंट विद रीनल डिसफंक्शन, तो ऑलरेडी उसका क्रिएटिनिन लेवल या ऑलरेडी उसका जो है ना रीनल का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उसके अंदर जो है वो रिएक्शन डिलेड आ सकते हैं, ठीक है. तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए रिएक्शन, ये सारे कॉन्ट्रास्ट मीडियम के रिएक्शन, ठीक है. हमारे पास दो पहले थे, एक ड्रग रिलेटेड है और एक हमारे पास इडियोसिंक्रियाटिक रिएक्शन है, डैट मीन्स जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, कॉज नहीं पता हमें, लेकिन पेशेंट प्रेजेंट करता है फॉरन से उसको रिएक्शन हो गया. दूसरा हमने केमिकल जो हमारे पास ड्रग्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, किस किस्म का है, किस टाइप का बना हुआ, डिफरेंट. अब देखो पेशेंट समटाइम्स जो है ना, डिफरेंट कंपनीज की जो बनते हैं ना, डिफरेंट सेम वही जो कॉन्ट्रास्ट है एक कंपनी का, सेम वही कॉन्ट्रास्ट दूसरी कंपनी का, मे बी वो उसको दूसरी कंपनी के जो कॉन्ट्रास्ट है उससे उससे एलर्जी हो गई, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि वो उसकी मेकिंग या जैसे भी है उसके अंदर क्या चीज उन्होंने यूज किया है, जैसे उसको एक ही ड्रग जिसे एक ही कॉन्ट्रास्ट में दिया, फॉर एग्जाम्पल आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट है, एक से रिएक्शन हो गया दूसरे से नहीं हुआ, कंपनी चेंज है, डिपेंड करता है, ठीक है. तो दी और औरत आयोडिनेटेड डिपेंड्स आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. अगर आप बेरियम की स्टडीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बेरियम सल्फेट ही दोगे, ठीक है. बेरियम सल्फेट ऑरली ही आपके पास आते हैं ज्यादा, तो आप फिर पाउडर फॉर्म में होता है, तो फिर आप उसको पानी के साथ मिक्स करके जो है वो उसका जूस सा बना लेते हो. तो पेशेंट को बड़ा आपने उसको एहतियात से कहना होता है कि इसको पिए, क्योंकि वो ना जहाँ पे इवन वो पीते हुए ना कहीं पर ड्रॉप्स गिर गए, ठीक है, वो ड्रॉप्स गिरे जहाँ पे वो आपको एक्सरे के ऊपर वाइट वाइट डॉट्स नजर आ सकते हैं, तो यू कैन रिपोर्ट इट एज अ पैथोलॉजी, ठीक है. तो वो उस तरह उसको बड़ा बेरियम को एहतियात से पिलाया जाता है, ठीक है. अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने मुझे ईमेल की है अपनी क्या कहते हैं असाइनमेंट, मैं उनकी मैंने पहले बताया था मैं कैंसिल करूंगी, ठीक है. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे जो है आप लोगों ने सारों ने एलएमएस के ऊपर मैंने टाइम है. और एक और बात मेरे यहाँ पे मुझे पहले देखने दो वो आई भी है कि नहीं. जैनब अंसार एंड मलीहा मरियम कौन है जरा? जैनब है,
इज ज़ैनब अंसार एंड मलिका मरियम? माशाल्लाह इन्होंने क्लास लेने की भी जहमत नहीं की। अगर आप इनकी असाइनमेंट देखो, अब मुझे खुद बताना, ये मैं ज़ैनब अंसार की असाइनमेंट खोल रही हूँ, ठीक है? असाइनमेंट देखना, एग्जैक्ट इवन फॉन्ट भी देखना, ठीक है? ये ज़ैनब अंसार की है, ठीक है? अच्छा, ये मलिहा मरियम की है, सिर्फ नाम चेंज करने की जहमत की है दोनों। आप समझते हो कि हमें पता नहीं चलता कि ये देखो आगे इवन के उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि ये हम थोड़ा फॉन्ट इधर करके सेंटर में जरा डिजाइन, उन्होंने इसी के ऊपर जो है नाम बस अपना दूसरे ने चेंज किया और बस दोनों ने नाम, मुझे डिफरेंस बताओ एक भी, सिर्फ नाम के अलावा कहीं पे डिफरेंस है? मुझे ईमेल आई अभी, मैंने ईमेल चेक किया सुबह ना, तो ईमेल आई है, दोनों ने ईमेल की है, ठीक है? और दोनों की मैंने खोलते साथ ही देखा है, और ये असाइनमेंट देख लो आप, और मुझे सिर्फ ये बताओ इनमें डिफरेंस क्या है। इवन कि उन्होंने नाम जिस कोने में लिखे हैं दोनों, उसी कोने में दूसरी का, ठीक? और ये पूरा आगे से सेम डिटो कॉपी पेस्ट, एक ने बना लिया होना, दूसरे ने कहना मेरा नाम भी लिख दो सेंटर, ये फिर आप लोग उम्मीद रखते हो कि मैं आपको मार्क्स दूंगी इसके ऊपर, ठीक है? एक ने तो चलो जिसने मेहनत की है, दूसरी ने मेहनत नहीं की, दोनों के नंबर कटेंगे, क्या फायदा? मुझे पता नहीं चलता कि आपने कॉपी पेस्ट किए हुए, मुझे इवन ये भी पता चल जाता है कि नेट से एग्जैक्ट डिटो, इवन फॉन्ट भी नहीं चेंज करते हो, हेडिंग की फॉन्ट और होता है, नीचे की एक लाइन का फॉन्ट और होगा, दूसरी लाइन का फॉन्ट और होगा, ठीक है? वो भी पता चल जाता है कि आपने पढ़ने की भी जहमत नहीं कि आपने फटाफट में बस उठा उठा कर कॉपी पेस्ट मारा, आगे अगले पेज पर कहीं से मिला कॉपी पेस्ट, एटलीस्ट असाइनमेंट को थोड़ा सा प्रॉपरली देखा तो करो ना कि आपने एंड में एक बनाई क्या है, कहीं बड़ा बड़ा लिखा है, कहीं उसी लाइन के आगे छोटा छोटा लिखना शुरू हो जाए, मतलब इस तरह अजीब गरीब सी असाइनमेंट होती है, नेम्स नहीं लिखे होते। अब मुझे बताओ इन दोनों आज आई, ऊपर से आई भी नहीं है, नहीं तो मेरा था इनको क्लास में थोड़ा सा मैं पूछूं कि क्या मसला है इनके साथ कि इस तरह आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड की है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दी है, अब मुझे कोई ना कहे कि किसी के मार्क्स जो है मैंने कम दिए हैं या मैंने जीरो नंबर भी दिया है किसी को, ठीक है? तो वो इन्हीं वजह से मुझे चलाकियों का पता चल जाता है, ठीक है? तो अपनी असाइनमेंट अपने जिसने जिसने जो मेहनत करके बनाई है वो पता चलता है। अब इसमें से भी किसी एक ने मेहनत करके बनाई होनी, मुझे नहीं पता, क्या पता एग्जैक्टली यही किसी और की भी हो, ठीक है? अभी तो मैं खोलूंगी, पिछली बार मैंने असाइनमेंट जो है ना जिन बच्चों को दी थी उसके अंदर मेरा ख्याल 20 या 25 बच्चों की सेम असाइनमेंट थी, और अच्छा कुछ की तो सेम असाइनमेंट थी मैंने बताया था, कुछ ने तो ये की कि चलो इन्होंने तो एग्जैक्टली वही बता दिया ना, साफ पता चल रहा है कि एक सेम है। किसी ने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ को लिखना शुरू कर दिया, पहले वो जो आखिरी वाला था वो पहले लिखना शुरू कर दिया, और उससे है वही बस कॉपी पेस्ट जो है इस तरह करके, तो पता चल जाता है। तो इसलिए मार्क्स भी फिर उसके उसी लिहाज से मिलेंगे। मैंने बताया था कि असाइनमेंट जो जितनी अच्छी जिसका पता चलेगा कि मैंने उसमें मेहनत करके बनाई है उसके मार्क्स उसी से उसी तरह मिलेंगे। मुझे बाद में कोई ना कहे कि मैम असाइनमेंट के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं तुम लोगों के, तुम लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते हो कि हम अच्छी से एक असाइनमेंट बनाते हैं, कॉपी पेस्ट मारोगे फ्री वाले मार्क्स भी गए, जीरो नंबर मिलेगा अगर किसी का मुझे इस तरह मिले। मैम क्या टेबल बनाना जरूरी है? नहीं, मैंने आपको बताया था जो जिसको जिस तरह ईजी लगता है वो उस तरह आप असाइनमेंट को सबमिट करें, ठीक है? वो आपके ऊपर है जिसको बना लिया जिसने जिसको उस तरह आपके लिए बाद में आप लोगों का वाइवा मैंने इसी से लेना है, ठीक है? तो जो है मतलब कि परेशान ना हो, तुमने मुंह ही खोल लिया पूरा, दैट मीन्स कि ये आपके वाइवा के अंदर ये चीज़ें भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है? इसीलिए आपसे बनवाती हूँ कि आप लोग इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करो, आपको पता भी आपने लिखा क्या है। असाइनमेंट फ्री के नंबर नहीं होते हैं, ठीक है? तो 10% इसलिए होता है कि आपको जो इवन आपने लिखा है आपको पता हो आपने लिखा क्या है, और इसीलिए मैं कहती थी अपनी सहूलत के ऊपर जिस तरह आपको समझ आती है कि मैं जब इसको एकदम से रीड करूंगा मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने बनाई है, टेबुलर फॉर्म में बनाया तो टेबल एक दफा देखा एंड दैट्स इट, ठीक है? तो बस उसी तरह देखा, अब जिसको जैसे इजी लगा टेबल फॉर्म में, जिसको जैसे इजी लगा इसने कि इस तरह मुझे है कि आपने लिखा क्या है, असाइनमेंट क्या है बनाई है, ठीक है? मैंने तो उस पर मार्क्स देने, बाकी आपके ऊपर है जिस तरह मर्जी बनाओ, ठीक है? बट एटलीस्ट कॉपी पेस्ट ना किया करो, और एक दूसरे का नाम वो किया करो कि चार ने बनाई है तो चारों की एक जैसी है, थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज बीच में डाला करो, डिफरेंस अपना बनाया करो, अपनी अपनी असाइनमेंट, ठीक?
तो जिसकी अलग होगी उसको फुल मार्क्स या अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसकी इस तरह होगी तो मैं बाद में रोते हुए ना आना मेरे पास, ठीक है मैं पहले बता रही हूँ, इन तक मैसेज पहुंचा देना कि अभी और मैंने खोल के नहीं देखी, आज लास्ट डे है शाम तक मेरा ख्याल है जिनकी सबमिट नहीं हुई है, ठीक है तो मतलब आज शाम तक जिसकी नहीं सबमिट हुई है सबमिट करा दो, और अभी भी कह रही हूँ जिसने इस तरह की कोई हरकत की है कॉपी पेस्ट वाली, आज रात तक का टाइम है तुम लोगों के पास, अभी भी वहां से डिलीट कर लो, और एक जैसी जिसकी है जिसने ऊपर नीचे भी करके लिखा है ना तो मैंने उसके मार्क्स उसी लिहाज से देने हैं, आज रात तक का टाइम है, देख लो दोबारा से यहाँ से हटा लो और दोबारा बना लो रात तक और सेंड कर दो, ठीक है इसके बाद मैनू ना कहना, ठीक है सही कह रही हूँ ये हो गया था तो वो हो गया था। अच्छा सिलेबस बता दो आप लोगों के मिड्स का, टोटल आपके 20 लेक्चर्स हैं तो 10 आर इंक्लूडेड इन योर, ठीक है तो हाफ आपके इसमें हो गया, बाकी जो 10 रह जाएंगे वो हमारे फाइनल में आ जाएंगे, उसमें वाइवा भी है और आपका रिटर्न भी है, तो ओवरऑल सारा जितना सिलेबस है फाइनल में आएगा, ठीक है टोटल 20 है तो ज्यादा सिलेबस नहीं है इसका, तो आज 17 है, 3 और रह गए, हमारा सिलेबस भी कम्प्लीट होने वाला है, ठीक पढ़ी थी ना कि उसके अंदर क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वो सारी चीजें जो उसके पेपर पैटर्न आपके एमसीक्यूज होंगे और एससीक्यूज होंगे और एक दो एक शायद कुछ डायग्राम मैं एससीक्यूज में एमसीक्यूज में ही दे दूं, एमसीक्यू मतलब कि आपने बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ये डायग्राम है किस चीज की है, हाँ तो वही कह रही हूँ ना कि वो जो डायग्राम है ना वो मैं एमसीक्यूज में भी दे सकती हूँ कि ये इमेज शो कर दियो, नीचे चार ऑप्शन दे दिए इमेजिंग की, तो आई लव इमेजेस क्या करूँ, नहीं एससीक्यूज आपको प्रॉपर क्वेश्चंस होंगे जिस तरह आपको डिफाइन दिस डिफाइन द टाइप्स ऑफ दिस, एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ इमेजेस आपके लेक्चर्स में से ही होंगी, ठीक है ये भी नहीं कि वो एग्जैक्ट अगर लंग का इमेज है तो वही लंग वाला इमेज जो मैंने लेक्चर में दिया था वही आए, ठीक है तो गूगल के ऊपर जितने लंग के इमेजेस हैं मे भी वो आ जाए, तो लंग होता है ना, अब ये क्या कि हर दूसरे इमेज में जो है लंग चेंज हो जाएगा मतलब ये कि आपको कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल एनाटॉमी तो पता होना ज्यादा नहीं मुश्किल नहीं होगा, मेरे पेपर बड़े आसान होते हैं मैंने बताया था ना बहुत आसान होते हैं पेपर पढ़ने वालों के लिए, बहुत आसान है, फुल फुल मार्क्स भी लिए हैं मैं बच्चों ने, ठीक है और फुल देती भी हूँ मैं मार्क्स, ठीक तो जिसने जो अच्छे से जो चीज पूछी एग्जैक्ट वो बताओ, इधर उधर की कहानियां ना छोड़ो, हाँ लंबी लंबी कहानियां नहीं छोड़नी है, और जो पूछा है डिफाइन दिस दो लाइन की डेफिनेशन लिख दिए, डिफाइन टाइप्स अगर राइट टाइप्स होगा तो सिर्फ नाम लिखने, अगर उसके मार्क्स देख लिया करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बता भी दिया करो, नाम लिखने से आपको पूरे नंबर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है तो हर क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखा करो कि अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके पार्ट्स भी हैं आगे तो उसको डिफाइन करो, ठीक है मार्क्स देने के लिए हर उसके, बाकी इमेजेस को मैं लेबल करवाने को दे सकती हूँ या फिर इमेजेस देख के आप बता सकते हो कि इमेज जो है वो किस तरह का, मुश्किल नहीं होगे, इजी इजी जो मेजर आपकी इमेजिंग है वही होगी कि ताकि आपको बेसिक तो चीजें इमेजेस की पता हो ना, ठीक वही होंगे ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है अच्छा बाकी आपके 20 लेक्चर्स हैं, मेरी और एक बात सुन लो कि 3 लेक्चर और रह गए मेरा ख्याल है, एक तो ये हफ्ता फ्राइडे को दूसरा, और अगले हफ्ता पूरा जो है आपका सिलेबस कम्प्लीट, उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिकल, ठीक है और जो मैं प्रैक्टिकल आपको बेसिक करवा रही हूँ बेसिक, मे बी मैं आपका जो क्लास पार्टिसिपेशन के 5% है ना वो उधर लूँ, कैसे आप लोगों को एक एक बंदे को क्लास अंदर बुलाऊंगी, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा या नोबोलॉजीज के बारे में पूछ लिया या फिर जिस तरह मैं आपको बता रही होती हूँ मुझे सिर्फ ये बता दो कलर डॉपलर इमेजिंग क्या होती है, ठीक है PRF क्या है, दिखाती हूँ ना ये चीजें जो बेसिक चीजें, और जो कुछ चीजें कुछ बच्चे पीछे काउच पे बैठ के जो है ना गप्पे लगा रहे होते हैं और मैं चीख रही होती हूँ कि यहाँ पे देख लो ये ना हो फिर बाद में तुम लोग चीखो, ठीक है एक दो क्वेश्चन वही 5 नंबर, एक क्वेश्चन बता दो मैं सिर्फ अंदर आगे सिर्फ आप नादिर आप मुझे ये बताओ जूम कैसे करते हैं, छोटी सी बेसिक चीजें जो मैं इवेंट के आपको डेमो करवा के बता रही हूँ, ठीक है ट्रांसवर्स प्रोब रख के सिर्फ दिखा दो, एक ही क्वेश्चन पूछा जाओ बस ट्रांसवर्स प्रोब रख दी है प्रॉपर सही पकड़ी है
उसका पॉइंटर हेड किस तरफ था जो होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए रखा, चलो ठीक है। सब कोस्टल अप्रोच क्या होती है बता दिया, प्रोब रख के दिखा दो ना, इमेज बने बेशक, ठीक है। इमेज बनाना है, वो तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसा ऐसा बाकी तो बनना आ ही रहा है जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं आ रहा तो बस ये बता दो कि इमेज अच्छा, स्क्रीन ठीक है, टी साइड ठीक है, अच्छा डायनामिक रेंज ठीक है, ब्लर बहुत इमेज आ रहा है, जूम हुआ हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये मैं आपसे क्यों, क्योंकि मैं करवा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जब अपने टाइम से अलग आपको दे रही हूँ तो मुझे उसका गेन भी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे वो देना है जो मैं आप लोगों पे मेहनत कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि आप लोग इधर से, और इसका सिर्फ मकसद ये है कि जब मैं असेसमेंट रखूंगी आप सीखोगे, नहीं रखूंगी आप लोगों ने इधर से ऐसे ही चले जाना। और मैं यकीन से आपको कह रही हूँ, आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, आपको अल्ट्रासाउंड नहीं कोई सिखाएगा, सिखाएगा तो खड़ा करेगा दूर, कहेगा देखो ऑब्जर्व करो, आपको बेशक पास भी खड़ा कर लो, आपको ऑब्जर्व करते हुए कभी चीज नहीं समझ आएगी वो प्रो किस तरह मूव कर रहा है, किधर रख रहा है, क्या चीजें नोट कर रहा है, बता भी रहा है, जब तक आपके अपने हाथ, और आपके हाथ में कभी भी प्रोब नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा। आपके पेशेंट जब वहां पे रखा है ना, तो बहुत कम होंगे, या फिर दे दे तो वो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको समझा रहा है साथ में, ठीक है। मैं इसलिए कहती हूँ एटलीस्ट बेसिक चीजें समझ के जाओ, आप बाहर फील्ड में जाओ तो प्रोब यूज करनी आनी चाहिए, मूव्स उसको स्कैन करना आना चाहिए, व्यूज बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें सीख के जाओ, मैं आप लोगों का ही फायदा है, आप लोगों का फायदा, कल को आपको बहुत बेइज्जती होगी, और होगी, होती है, हमने भी सही है, रेडियोलॉजिस्ट बहुत करते हैं, टेक्नीशियंस बहुत करते हैं, टेक्नीशियंस हालांकि हैं कुछ नहीं, डिप्लोमा वाले हो, उनको क्या मैं बोलूं, ठीक है, मैट्रिक पास डिप्लोमा वाले हैं, उन्होंने सिर्फ काम से, लेकिन वो अरसे हॉस्पिटल्स में बैठे हुए, 15-15, 20-20 साल बाबे हो गए हैं उनके, ठीक है। लेकिन वो एक ही चीज पे कर रहे हैं, वो कर करके इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो आप लोगों को भी वो नीचा दिखाएंगे ना कि आप लोग डिग्री होल्डर हो, आपको तो ये भी नहीं आता, इस तरह करेंगे वो बेजर। शेख जायद में मुझे याद है टेक्नीशियंस, आप पता नहीं है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट लाइफ में होते थे वो ना, कभी शेख जायद में आपका चक्कर लगा हो तो देखना, वो उन्हीं के हॉस्पिटल्स के हैं टेक्नीशियन, इतना बेइज्जत करते थे और जान जान के हमें एक्सपोजर दे देते होते थे, हमें पता ही नहीं होता था, खुद लेड की वो जो शील्ड होती थी हम लोग अंदर देखते थे और फौरन से भाग के लेड शील्ड के पीछे एक्सपोजर दी और हम बेचारे वहां देखते रह जाते, हमें एक्सपोजर दे देते थे, मजा आया, इस तरह करते थे वो। तो ये चीजें जो है ना, इवन रेडियोलॉजिस्ट वो तो फिर आपको पता ही कैसी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो वो रेडियोलॉजिस्ट के साथ अच्छी है आप लोगों की, तभी बनेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, ब्लंडर्स नहीं मानने। मैं आपको बताया ही था, मैं अभी पिछले दिनों चुगताई लैब में गई हूँ इधर डॉक्टर वैसे स्कैन करवाने के लिए, और वहाँ पे मुझे वो डॉक्टर कहती है मेरे पास यूएल के बच्चे आते हैं और सारफा मुझे उनको सिखाने का भी दिल नहीं करता, इतनी पोलाइट है, इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से सब बताती हैं, लेकिन कहती है मेरा दिल नहीं करता, उनको तो बेसिक चीज़ें नहीं पता, छोड़ो अल्ट्रासाउंड, छोड़ो ये वाली मोडालिटी की चीज़ें, उनको बेसिक एनाटॉमी नहीं पता, उनको यही नहीं पता, अच्छा मैं कुछ बेसिक चीज़ें उनसे पूछ लूँ, लिवर क्या होता है, किडनी क्या होता है। और यकीन करो मैंने एक वाइवा लिया था, मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट था कहाँ का था, जो भी पिछले जब ऑनलाइन चल रहा था, उस बच्चे को और साथ में डॉक्टर नवीद भी थे, वो चेक करने आते थे कभी जिस टाइम कभी, उसी टाइम पे उस बच्चे के टाइम पे सर ऑनलाइन आ गए, ठीक है, वो चेक कर रहे थे वाइवा, और मैं उस बच्चे ने मुझे जितने क्वेश्चन पूछे जीरो कोई आंसर नहीं दे रहा था, तो जीरो कोई, ठीक है। पहले उसको मैंने बोला अपना रूम दिखा, सिगरेट रखी हुई है सामने, जी भूलिया मतलब उसका, और स्टूडेंट तो कहीं से लग ही नहीं रहा था मुझे, ठीक है, अच्छा उससे पूछा, नहीं आंसर दिया, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा अच्छा छोड़ो कोई तो नंबर लो, जब बच्चा यूं करता है मैं चलो कहती हूँ कुछ तो नंबर लो ना, अच्छा बेसिक चीज बता दो, बेसिक बता दो, कुछ बताओ, अच्छा उसने क्या किया, मैंने कहा अच्छा चलो बेसिक भी छोड़ दो, ये बताओ किडनी क्या होता है, अब इससे चीज क्या मैं पूछ सकती हूँ, जब तक किडनी क्या होता है, ठीक है, और अच्छा लिवर क्या होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या करता है, ये लास्ट सेमेस्टर मैंने नहीं पढ़ाया, उससे पहले जो ऑनलाइन जब ये कोविड स्टार्ट ही हुआ था तो अल्ट्रासाउंड पढ़ाई थी जर्नल शायद, तो उसके अंदर जो था वो, उसको मैं कह रही हूँ चलो हार्ट क्या होता है, उसको एक टू क्लास का बच्चा होता है ना जिसमें हम साइंस की बुक में पढ़ते हैं हार्ट क्या होता है, लिवर क्या होता है, कि उसको यही नहीं पता, उसने मुझे अब याद नहीं आंसर क्या दिया था, और सर ने मुझे उसी वक्त अलग से मैसेज ग्रुप में, नहीं मुझे सर का अलग से मैसेज व्हाट्सएप पे आ गया, इसको फेल करो, इसको फेल करो, इसको जीरो मार्क्स दो। मैं उसको बार बार पूछ रही, अच्छा चलो उसने वो नहीं बताया, अच्छा चलो ये चीज बता दो, कुछ बता दो, मुझे तरस आता है बच्चों पे, मुझे आप लोगों पे इतनी वो उस तरह नहीं होता, मैं भी स्टूडेंट गुजरी हूँ ना, मुझे आप लोगों के माँ बाप पे तरस आता है, इतनी इतनी फीसें यहाँ की, थोड़ी तो नहीं है फीस, प्राइवेट पढ़ रहे हो आप लोग और इतनी फीस है, लाखों में आप लोगों की फीस है, माँ बाप ऐसे तो नहीं दे रहे ना आप लोगों के, वो इस उम्मीद से देते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ बन रही है, ठीक है, वो अपने खानदान में भी बताते हैं,
बाहर भी बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ बन रहा है और कल को कुछ बनेगा, कल को वो एक अच्छे डॉक्टर बन रहा है, इसी तरह कहते हैं ना कि मेडिकल पढ़ रहा है डॉक्टर बन रहा है कुछ, या घर पे कोई इस तरह की चीज होती है ना कोई एक्सरे वगैरह किसी का अल्ट्रासाउंड, बेटा तुम आओ जरा पढ़ के बता दो क्या लिखा है, उस वक्त जो खुशी होती है ना कि हमें वो इस काबिल समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, और आप लोग क्या दे रहे हो उनको, कभी सोचा क्या ग्रेजुएशन करने के बाद या जॉब लगेगी क्या दोगे क्या उनको, वो आप लोगों के ऊपर इतनी फीसें लगा रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छी फैमिली, हम सब बहुत कोई रिच फैमिली से नहीं होते हैं, सब मीडियोकर ही हैं ठीक है, और मुझे पता है कि मीडियोकर फैमिलीज ने अपनी फैमिली को भी कैसे चलाना है, फीसें भी कैसे दे रहे हैं, और कोविड की सिचुएशन जो पिछले दिनों चली है किस तरह हम लोगों के बच्चों की फीस वगैरह देते रहे हैं, और ये लाखों की फीस देना आसान नहीं है, आप लोग सिर्फ एक तो हो गई, चलो एक दो जो जिनके हैं बाकी बहन भाई भी तो होंगे ना आप लोगों के ठीक है, उनकी फीस देना घर के सब कुछ होना, तो आपके माँ बाप आप लोगों के बहुत कर रहे हैं, तो प्लीज उनका सोच के उनके लिए आप लोगों ने सोच के पढ़ना है, और उनको इस तरह पढ़ना है कि हमने कल को उनको देना है वापस, उनको प्राउड फील कराना है, कुछ बन के दिखाना है कुछ, अगर वो वाकई कर रहे हैं ना तो प्लीज उनको आपने इस तरह कभी भी लेट डाउन नहीं करना ठीक है, तो इसलिए मैं कहती होती हूँ कुछ बन जाओ कुछ कर जाओ कुछ सीख जाओ, जितना आप अपने इस जगह से सीख जाओगे ना बाहर नहीं कुछ सिखाएंगे ठीक है, तो ये तो आपके इंस्टीट्यूट है, ये तो आपको हम लोग हैं इधर पढ़ाने के लिए ही है ना बताने के लिए ही ना, सीख जाओ, स्टूडेंट लाइफ में बच्चे बड़े होते हैं नॉन सीरियस, क्यों, क्योंकि हम भी ऐसे थे, हमें अल्ट्रासाउंड किसी ने नहीं सिखाई थी, FMH के अंदर अल्ट्रासाउंड इतना सा सब्जेक्ट था, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड और बस ठीक है, और हम लोगों को ना कभी हम गए थे उधर हमें किसी ने सिखाई ना, हमारे डॉक्टर्स ही होते थे, हमें सब ने MBBS डॉक्टर्स ने ही पढ़ाया था ठीक है, तो वो अल्ट्रासाउंड हमें कुछ भी नहीं आती थी, जीरो थी हमारी, हमें प्रोब भी नहीं पता था क्या होती है, प्रोब क्या होती है ये नहीं पता ठीक है, तो वो अब फिर बाद में जब फील्ड में आए तो फिर हम पछताते थे, हाई सीख ही लेते इसको ठीक है, बाद में फिर हम लोग जो इधर उधर रुल रुल के सीखा है ना जिस तरह, तो वही जो जिस तरह रुल रुल के सीखा था, मेरी कोशिश होती है जो मैंने सीखा है एटलीस्ट उन लोगों को सिखा दूँ ठीक है, नहीं आज नहीं कल लास्ट होगा प्रैक्टिकल आपको, वही कहती हूँ अब तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें बता दी हैं, मैं ही करती रहती हूँ, अब आप लोग आगे आओ एक दूसरे पे किया करो ताकि आप लोगों को खुद करना है ठीक है, मेरे सामने बेशक डरते हो मैं एक साइड पे बैठ जाऊंगी, आप अपनी एक दूसरे से पूछो आपस में, बॉयज भी गर्ल्स भी आपस में पूछो ये कैसे होना था ये कैसे होना था, डर निकलेगा आपका ठीक है, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ बॉयज को भी करा रही हूँ हाथ कांप रहे होते हैं, मैं कहती हूँ ये बना दो, मुझे फील हो रहा होता है उसके हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है उसको ठीक है, और जो है डरना नहीं है करना है, नहीं आएगा क्या होगा कुछ लोग असेसमेंट हाँ फाइनल के पास जा जाके बिल्कुल, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग करना क्या यही करना है ठीक है, छुट्टियां लेके सवाल चले गए, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सिलेबस पता चल गया, असाइनमेंट आज लास्ट है और आपके असेसमेंट भी मैंने बता दिया अलॉन्ग विद योर वन और टू क्वेश्चन में जो क्लास पार्टिसिपेशन वाले मार्क्स है, अच्छा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे क्विज नहीं दिया था, एक और बात याद आ रही, जिन्होंने मुझे क्विज नहीं दिया था, काफी स्टूडेंट्स की ईमेल आई है, वो लोग सब अपनी एप्लीकेशन जो है ना सर से साइन करवा ले, मैं दोबारा ले लूंगी, या उनके मार्क्स जो वो जो क्लास पार्टिसिपेशन वाले 5% है ना उसमें उनसे 5 वो भी इन्वॉल्व कर लूंगी, लेकिन एक दफा सब वैलिड रीजन के साथ मुझे एप्लीकेशन सबमिट कराएं, जिसने नहीं कराई उनके 0 ही लगेंगे क्विज में ठीक है, जिनका क्विज किसी भी रीजन किसी भी वजह से रह गया है, कोई बीमार था कोई किसी का कुछ गया किसी का कुछ हो गया जो भी है, एप्लीकेशन लिखो साइन कराओ सर से, मुझे बताओ कि सर ने अप्रूव कर दिया हमारा लीकेज डॉक्टर नवी ठीक है, एप्लीकेशन लिखो और लिख के बताओ कि मेरी ये रीजन थी और मैं इस वजह से जो है क्विज नहीं दे सका, तो मैम अलाउ कर रही है कि वो हमारे एक असेसमेंट के साथ वो ले लेंगी रीटेक, लेकिन आप हमें अलाउ कर दें मेरी ये वैलिड रीजन थी ठीक है, वो साइन करा के मुझे डॉक्टर नवीद के साइन के मुझे दे दो, तो मैं आपका जो और ये उससे पहले करवाना जब ये मैंने लेनी है असेसमेंट आपकी, क्योंकि मैं असेसमेंट के साथ ही आपका वाइवा ले लूंगी, 2-4 क्वेश्चन और ज्यादा कर लूंगी तो बस वाइवा टाइप ठीक है, बाकी उनसे 3 क्वेश्चन कर रही थी तो उनसे 5-6 कर लूंगी ठीक है, तो उनके 5% जो वो क्विज वाले हैं वो भी रहे, लेकिन आपको रीटेक पॉलिसी पता है ना, पास फेल 50%